Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तहलका इंडिया न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देश की आजादी की। देश को आजाद हुए आज 70 साल हो चुके हैं, परंतु आज के इस दौर में भी जात व पात को लेकर हनुमान जयंती के दिन भंडारे के आयोजन में दो अलग अलग पंडाल बनाए जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शाजापुर जिले के अरमलिया कला की, जहां पर शाजापुर से महज 60 किलोमीटर दूरी पर है। इंदिरा आवास योजना में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में भंडारा आयोजित किया गया था। आप खुद देख सकते हैं किस तरह भेदभाव करके भंडारे का आयोजन किया गया। जब इस बात पर विधायक कुणाल चौधरी से बात की जाती है तो क्या कहते हैं विधायक महोदय जी कुणाल चौधरी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तहलका इंडिया न्यूज के लिए गोविंद जोनवाल की रिपोर्ट। हेलो, हाँ जी साहब नमस्कार, जितेन मालवी बोल रहा हूँ अरनेकला से। बोलो जितेन भैया। जी भाई साहब, निवेदन रहता कि आप मतलब अपने यहाँ भंडारा है हुआ है ये मतलब कॉलोनी में बल्ले के ऊपर हनुमान जी का भंडारा साहब, तो वहाँ पे क्या मतलब हमें एक तरफ बिठाया वहाँ पे, तो हम खाना खा के नहीं आए साहब, हम 25-30 जने हैं क्या साहब? अच्छा 25-30 है साहब हमारे मेरे साथ में, मतलब हम खाना खा के नहीं आए साहब वहाँ पे क्या सर? धर्म के नाम पे तो मतलब बांटने का काम हो रहा है साहब, ये तो क्या भाई साहब यार, मतलब राहुल गांधी जी सब मतलब दलितों के साथ भोजन करते हैं और यहाँ तो दलितों के साथ अत्याचार हो जा रहा है, बताओ। मैं आपके घर पे आके आपके साथ कर लूंगा बस, ठीक है भाई साहब? आप कर लोगे तो मतलब यहाँ तो अपमान हो रहा है ना यार, ये मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से तो ऐसा तो नहीं हो रहा होगा। अरे साहब हो रहा है, आप खुद आपकी आंखों से आके देखो, कल टेंट लगा था वहाँ पे अलग लगा था, आपने देखा होगा कनकपुर धाम पे। हेलो, मैं दिखवाता हूँ। हाँ साहब, कल भी आप आए थे ना भोजन करने के लिए वहाँ पे? नहीं करा था मैंने भोजन नहीं, करने नहीं आए थे आप? मैं तो दर्शन करने आया था। दर्शन करने साहब आपने टेंट देखा था नहीं अलग कि नहीं देखा? ऐसा तो नहीं दिखा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अच्छा ध्यान नहीं दिया, हाँ आपको कैसे दिखेगा साहब? चलो ठीक है, मेरे को तो है ना। ठीक 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 है। इंदिरा आवास कॉलोनी अरनिया कला में आज भंडारे का आयोजन रखा गया हनुमान जयंती पर, वहाँ पे आपके साथ कैसा व्यवहार हुआ? हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ कि हमको वहाँ से भगा दिया उन्होंने, नीच ढेड़ बलट्टे हमारे चमार और ऐसे करके हम सभी को भगा दिया, सभी को भगा दिया। जबकि सर मंदिर हमारी तरफ से बना है, क्योंकि हमने रिपोर्ट करी उनकी जब बना दिया। अच्छा, मंदिर निर्माण में आपका योगदान रहा है? समुदाय का मंदिर बनाना पूछते नहीं है वो। अच्छा, किस तरह से अत्याचार हुआ आपके साथ? पहले सर अकड़ा था, पहले अकड़ा था, पहले खुद का मतलब इनका खाद्य समाज का ना हमारा, हम खुद को नहीं बुला सकते हैं ना, बच्चों को उपयोग करा हमारा। अच्छा अच्छा, वो धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय को तो पास में बैठाते हैं, वो हिंदू हिंदू से बढ़ाता है, दलितों के साथ बहुत अत्याचार होता है और आज हमें भगा रहे हैं। जब सर मेरे को उठा के वहाँ से एक के पास में बैठा, मैं जब निकाल के वहाँ उठा के हाथ पकड़े, मैंने मेरे को भगा दिया। जो भी अटैया है जगदीश, ऐसा व्यवहार आपके साथ यहाँ? हाँ, ऐसा व्यवहार हुआ। इंदिरा आवास कॉलोनी अरनिया बल्डा पर हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में जो भंडारा आयोजित किया गया था, उसमें आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया? सब भंडारे में जब हम भोजन करने के लिए भोजन प्रसादी के लिए वहाँ पे गए, तो हमें मतलब जो है कि वहाँ से मतलब बोला कि मतलब तुम अलग बैठो, अलग बिठाते हैं वहाँ पे, छुआछूत करते हैं, मतलब क्या छुआछूत की भावना से हम अलग बिठाया गया। जब हमने मना कर दिया कि हम यहाँ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, तो उन्होंने मतलब हमें गाली गलौज करके नीच ढल पलटे चमट्टे बोलकर वहाँ से भगा दिया, बोले तुम छुआछूत फैला रहे हो यहाँ पे आके। और साहब यदि मतलब हिंदू धर्म में हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है, दलित समुदाय के साथ मतलब भेदभाव हो रहा है, हिंदू धर्म को मतलब जो है रहते हैं दलित समुदाय के लोग, उनको हिंदू को ही पास में नहीं बैठाते, हिंदू से छुआछूत करते हैं वो, और वोट बैंक के टाइम पर बोलते हैं कि बोले कि आओ भेले खाते हैं हमारे साथ हो। और साहब यदि ऐसा ही हमारे साथ होता रहा, दलितों पर अत्याचार होता रहा और भ्रष्टाचार यदि होता रहा, तो हम बहुत जल्दी हम सब बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। हम सब बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। क्या आप सब बौद्ध धर्म ग्रहण करने चाह रहे हैं? बहुत हो गया, क्यों करना चाह रहे हैं साहब? हमारा अपमान हो रहा है, इसलिए अत्याचार होता है धर्म के खिलाफ, इसलिए हम जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे
बहुत जल्दी यदि ऐसा अत्याचार हमारे ऊपर होता रहा अच्छा, तो हम सब मिलकर जो है कि बहुत धर्म ग्रहण करेंगे। कौन कौन लोग शामिल थे? हम हिंदू धर्म में मतलब पैदा तो हो गए पर हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके साथ हम भी ये अत्याचार नहीं सहना चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है ये अत्याचार हमारे साथ हमारे बेटे के साथ नहीं होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। धर्म के नाम पर जो धंधा खोल रखा है, धर्म के नाम पर जो धंधा मतलब हिंदू धर्म में जो बांटने का काम करते हैं, ये बांटने का काम नहीं होता है साहब। यहाँ बहुत अत्याचार होता है, बहुत भ्रष्टाचार है।